खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों ने दहशत फैला रखी है। उसी तरह अब राजस्थान में पैंथर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल उदयपुर में कल एक पैंथर ने महिला को अपना शिकार बना डाला। पैंथर महिला को घसीटकर पहाड़ी में ले गया। वहां उसने महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया और वहां से भाग गया। अब घटना की जानकारी जैसे ही कल तमाम जो इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको मिली, दहशत फैल गई उस पूरे इलाके में और देखिए अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार दिल को दहला देने वाली यह घटना झाड़ोल इलाके में आज सुबह हुई है, ये बताया जा रहा है। वहां कीरत की घाटी इलाके में हरजी भाई अहारी अपनी पत्नी मिर्की बाई के साथ में लकड़ियां लेने जंगल में गया था। उसी दौरान पैंथर ने महिला पर हमला कर दिया। पैंथर महिला को घसीट कर ले गया। पत्नी के चिल्लाने पर उसके पति को पैंथर के अटैक का पता चला। पैंथर को देखकर हरजी भाई डर गया और वह कुछ नहीं कर पाया और पैंथर महिला को लेकर ओझल हो गया। इस बीच बाद में उसने मिर्की बाई का सिर धड़ से अलग कर दिया और देखिए किस तरीके से ये आज की ही तस्वीरें हैं जब अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि दो महिलाएं जा रही थी और पैंथर ने हमला कर दिया। एक का धड़ से गर्दन अलग सिर अलग हो गया है, दूसरी घायल है। मैंने अधिकारियों को कह दिया कि भाई जो जिसकी डेथ हो गई है उनको उचित मुआवजा की व्यवस्था आप करो क्योंकि ये फॉरेस्ट विभाग ही करेगा, उनके गाइडलाइन में है, वो हमने उनको बता दिया। और दूसरी जो घायल है उसका उपचार चल रहा है। देखिए लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं वो करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमें जो करना हम करेंगे और जितना उसको मदद मिलनी है उनको मदद करेगी सरकार।